हेलो दोस्तों, वेलकम टू यूनिक ऑनलाइन गुरु चैनल। एमएस वर्ल्ड की इस क्लास में आप सभी का स्वागत है। हमारा आज का टॉपिक जो है वो है इंसर्ट टैब में टेक्स्ट ग्रुप। तो हम इंसर्ट टैब में हैं और ये क्या है हमारा टेक्स्ट ग्रुप, इसमें क्या क्या है, टेक्स्ट बॉक्स, क्विक पार्ट, वर्ड आर्ट और ड्रॉप कैप, हमें ये देखना है। टेक्स्ट बॉक्स क्या करता है दोस्तों, टेक्स्ट बॉक्स ये करता है कि ये एक बॉक्स दे देता है आपको, उसमें जो चीज़ आप लिखेंगे वो हाईलाइटेड रहेगी और लोगों का अटेंशन, मतलब उसमें इंपॉर्टेंट चीज़ लिखेंगे ताकि किसी की भी पहली नज़र उस पर ही पड़े। ठीक है, जैसे मान लीजिए हम टेक्स्ट बॉक्स पे आते हैं, ये आपका पहले से टेक्स्ट बॉक्स दिया है। ठीक है, ये आप स्लाइड करेंगे नीचे, देखिए और भी टेक्स्ट बॉक्स दिए हैं, आपको जो भी सही लगे उसको आप कर लीजिए और इसमें आप जो भी लिखेंगे इस टेक्स्ट बॉक्स में वो क्या होगा, हाईलाइटेड रहेगा ताकि वो क्या हो, रीडर की जो पढ़े उसकी क्या हो, आपके लिए इस टेक्स्ट की इम्पोर्टेंस हो और उसकी अटेंशन एक बार में ये खींच ले। ठीक है, आइए अब दूसरा क्या है देखते हैं। दूसरा क्या है, क्विक पार्ट। क्विक पार्ट ऐसी चीज़ है जो आप इसमें कोई भी प्री फॉर्मेट आप इसमें फीड कर दीजिए। ठीक है, और वो उसको आप यूज़ जब भी करना चाहते हैं तब आप बस वो क्विक पार्ट क्लिक करेंगे और वो शब्द आपका यूज हो जाएगा। तो आइए देखते हैं कैसे काम करता है। जैसे ये है डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टी, ये है ऑटो टेक्स्ट। ऑटो टेक्स्ट अभी देखिए कोई भी सेव नहीं है। डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टी में आएंगे, देखिए यहाँ पे है ऑथर, हमने कर दिया। अब ऑथर में पहले से ही सेव है तो नाम आ गया क्या लिख के, अनुभव वर्मा। ठीक है, फिर आप क्विक पार्ट पे जाएंगे तो आपको बार बार अनुभव वर्मा लिखने की जरूरत नहीं है। जैसे आप ऑथर क्लिक करेंगे तो बार बार आप नाम आ जाएगा। ठीक है, अगर और किसी में कुछ फीड होगा तो वो आ जाएगा। कैटेगरी, कैटेगरी में कुछ फीड नहीं है इसलिए कुछ नहीं आया। ठीक है, और ऑथर में फीड था इसलिए आ गया। ठीक है दोस्तों, तो ये क्विक पार्ट यही काम करता है। ठीक है, वर्ड आर्ट क्या होती है। वर्ड आर्ट ये होती है कि जो भी आपको लिखना है वो आप किस फॉर्मेट में लिखना चाहते हैं इसमें। तो आप अपना टेक्स्ट जो है आप इसमें लिखिए, देखिए कि जो भी हम लिख रहे हैं उसमें क्या आ रहा है, एक नीचे उसमें परछाई आ जा रही है, शेडो। ठीक है, अगर मान लीजिए हम इसको पूरा हटा दें, जो आवर टेक्स्ट ईयर लिखा है इसमें लिख दें यूनिक ऑनलाइन गुरु, यूनिक ऑनलाइन और गुरु। तो हमने जो भी जो फॉर्मेट यूज किया था, ठीक है, इंसर्ट में देखिए, इंसर्ट में वर्ड आर्ट में हमने ये फॉर्मेट चूज किया था जिसमें शेडो था। ठीक है, तो आपका ये भी है शैडो रिफ्लेक्शन। ठीक है दोस्तों, ठीक है, अब देखिए वर्ल्ड कैप, ड्रॉप कैप जो बचा है, ड्रॉप कैप क्या काम करता है। ठीक है, ड्रॉप कैप ये काम करता है, मान लीजिए हमने कोई वर्ड यहां लिखा है, ठीक है, हमने लिख दिया यूनिक। ठीक है, या चलिए इसको हटा के हम रैंड कमांड से पैराग्राफ ले आते हैं। ठीक है, आ गया। अब हमें ये पहला जो लेटर है, जैसे आपके न्यूज़पेपर में अधिकतर ऐसे रहता है, जैसे पहला लेटर है, अब इसको ड्रॉप कैप से जितना बड़ा चाहते हैं आप उतना बड़ा कर लीजिए। ठीक है, हमने कर दिया। अब ये ड्रॉप कैप के हिसाब से वी जो है आपका वो बड़ा हो गया, वीडियो प्रोवाइड में वी बड़ा हो गया और आपका बाकी जो था वो सब वैसे ही है। ठीक है, तो ड्रॉप कैप आपका ये काम करता है। ठीक है दोस्तों, तो हमने क्या पढ़ लिया, टेक्स्ट बुक, क्विक पार्ट, वर्ड आर्ट और ड्रॉप कैप। टेक्स्ट बुक में बॉक्स आ जाएगा जिसमें आप जो भी लिखेंगे वो हाईलाइटेड रहेगा। क्विक पार्ट में, क्विक पार्ट आप जो भी बनाएंगे उसमें जो भी क्लिक करेंगे तो बार बार जो आप फीड किए रहेंगे क्विक पार्ट में वो आ जाएगा। वर्ड आर्ट में आप जो लिखने की शैली है वो चुन सकते हैं और ड्रॉप कैप में आप किसी भी पैराग्राफ का पहला वर्ड आप उसको बड़ा कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए हम टी के लिए आ गए, क्लिक कर दिए, टी भी हमारा बड़ा हो गया। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच।